अस्तित्व मूलक मानव केंद्रित चिंतन मध्यस्थ दर्शन भाग 4 अनुभव दर्शन अध्याय 1 ब्रह्म सत्य जगत शाश्वत। मानव दृष्टा पद में जागृति प्रमाण संपन्न है। अब ब्रह्म जिज्ञासा है। ब्रह्म शब्द के अर्थ को स्पष्ट करना है। मैं और मेरा के संदर्भ में निर्भ्रांति अथवा असंदिग्धता के अर्थ में ब्रह्म जिज्ञासा है। चैतन्य इकाई के मध्यांश की संज्ञा मैं है, जो आत्मा के नाम से अभिहित है। मैं से मन, वृत्ति, चित्त और बुद्धि का वियोग नहीं है। इनमें आत्मानुगामी बनने योग्य क्षमता की प्रस्थापन प्रक्रिया ही साधना है। इन चारों के अविभाज्य समुच्चय की संज्ञा मेरा और जागृति है। यही जीवन जागृति है। देह और देहकृत परिणामों का योग वियोग प्रसिद्ध है, जो मेरे द्वारा निर्मित था स्वीकृत रहा है। यह अर्थात ब्रह्म व्यापक है, जबकि प्रत्येक क्रिया सीमित है। यह अर्थात ब्रह्म सत्ता है। यह अपरिणामी और अस्तित्व पूर्ण है, जबकि प्रत्येक क्रिया परिणाम पूर्वक स्थितिशील है। यह शब्दों के द्वारा पूर्णतया उद्घाटित नहीं है। केवल शब्दों के द्वारा ब्रह्म का निरूपण अपूर्ण है। यह अर्थात ब्रह्म की अप्रचुरता का नहीं, अपितु शब्द की अक्षमता का द्योतक है। शब्द की उत्पत्ति तथा स्थिति पाई जाती है। यह ब्रह्म केवल साम्य और व्यापक पूर्ण अस्तित्व ही है। क्योंकि ब्रह्म व्यापक वस्तु ही है, जीवन में भी पारगामी है, शरीर में भी पारगामी है। जीवन को ही व्यवहार में न्याय और समाधान के रूप में प्रमाणित होना है। व्यवहार में प्रमाणित होने के क्रम में ज्ञान विज्ञान विवेक पूर्वक ही जिम्मेदारी भागीदारी करना होता है। तभी ब्रह्म निरूपण पूरा संप्रेषित अभिव्यक्त होना पाया जाता है। इस प्रकार परम सत्य रूपी अस्तित्व व्यापक रूपी ब्रह्म में ही हर मानव प्रयोग व्यवहार व अनुभव पूर्वक प्रमाणित होने की व्यवस्था है। मानव की अभिव्यक्ति में भाषा एक आयाम है। मानव अपने संपूर्णता के साथ ही पूर्ण वस्तु को अभिव्यक्त करता है। यही पूर्ण जागृति का प्रमाण है। मैं निर्भ्रमित अवस्था में आत्मा हूँ, क्योंकि अनुभव मूलक विधि से ही जीवन जागृति का प्रमाण होना पाया जाता है। अनुभव मूलक विधि से बुद्धि, चित्त, वृत्ति और मन अभिभूति अनुगमित रहना पाया जाता है। अर्थात अनुभव के अनुरूप प्रतिरूप में मन, वृत्ति, चित्त और बुद्धि अनुप्राणित रहते हैं। अनुप्राणित रहने का तात्पर्य प्रेरित अभिव्यक्त रहने से है। इस प्रकार निर्भ्रम अवस्था में मैं अर्थात आत्मा होने का प्रमाण स्पष्ट होता है। इसे हर नर नारी जागृति पूर्वक प्रमाणित कर सकता है। भ्रमित अवस्था में जीवन में अहंकार हूँ, जो अजागृति और भ्रम का द्योतक है। भ्रमित बुद्धि ही अहंकार है। भ्रमित बुद्धि अपने तात्विक स्वरूप अर्थात यथास्थिति स्वरूप में आत्मबोध रहित होना ही रहा,
इस घटना का नाम अहंकार है। ऐसी घटना के कारण रूप में शोध और अनुसंधान की आपूर्ति रही। मनाकार को साकार करने के पश्चात भी दुखी होने का कारण यथावत रहा। मन स्वस्थता को प्रमाणित करने व उसकी निरंतरता में मानव परंपरा में प्रत्येक नर नारी अनुभव मूलक विधि से आत्मबोध सहित प्रमाणित होना सहज है और आवश्यक है। आत्मबोध और ब्रह्म अनुभूति के लिए सहज जिज्ञासा है। यह मानव परंपरा में जागृत शिक्षा संस्कार पूर्वक समाधानित सार्थक होना पाया जाता है। यह अर्थात ब्रह्म, यह ब्रह्मानुभूति सर्व मानव का इष्ट है, क्योंकि अनुभव मूलक विधि से ही हर नर नारी यथार्थता, वास्तविकता, सत्यता को प्रमाणित करते हैं। यह सबको सर्वदा सर्वत्र एक सा प्राप्त है, जबकि हर इकाई दूसरी इकाई के लिए प्राप्य है। प्राप्त की अनुभूति और प्राप्य का आस्वादन एवं सानिध्य प्रसिद्ध है। आत्मा ब्रह्म से भिन्न होते हुए भी नेष्ट नहीं है, क्योंकि प्रकृति का सर्वोच्च अर्थात विकास पूर्ण, जागृति पूर्ण अथवा जागृतिशील अंश ही आत्मा है। यह चारों अवस्थाओं में प्रत्यक्ष है। नेष्ट का तात्पर्य ब्रह्म अर्थात व्यापक, और आत्मा में चैतन्य इकाई मध्यांश के रूप में होते हुए अनुभव योग्य क्षमता नित्य वर्तमान है। जीवन इकाई का विघटन नहीं होता, जीवन अमर है। विकास भेद से इस पृथ्वी पर प्रकृति चार ही अवस्थाओं में दृष्टव्य है। प्रत्येक इकाई प्रकृति का अभिन्न अंग है। ज्ञानावस्था की निर्भ्रम इकाई में आत्मा के अमरत्व, शरीर के नश्वरत्व एवं व्यवहार के नियमों का ज्ञान है, अन्यथा वह उसके लिए बाध्य है। प्रकृति अर्थात क्रिया समुच्चय एवं पुरुष अर्थात ब्रह्म का सह अस्तित्व अनादिकाल से अनंत काल तक है। प्रकृति अनंत इकाइयों का समूह है। प्रत्येक इकाई का विकास व ह्रास उसकी गति से उत्पन्न सापेक्ष शक्ति के अंतर नियोजन तथा बहिर्गमन की प्रक्रिया पर आधारित है। शक्ति का अंतर नियोजन ही जागृति अर्थात विकास है। मूल इकाई का तात्पर्य परमाणु से है। ब्रह्मानुभूति के योग्य क्षमता, योग्यता, पात्रता से संपन्न होने तक ही जागृति व भ्रम की संभावना बनी रहती है। ब्रह्मानुभूति पूर्ण क्षमता, योग्यता एवं पात्रता से संपन्न होना ही भ्रम मुक्ति है। चैतन्य इकाई का जड़ की आस्वादनापेक्षा से मुक्त होना एवं प्रेममयता में अथवा सत्ता में अनुभूत होना ही मोक्ष है। दया, कृपा, करुणा सहज संयुक्त प्रमाण ही प्रेम है। ब्रह्मानुभूति बोध मात्र का सहज आनंद ही पांचों ज्ञानेंद्रियों का आस्वादन सुख की उपेक्षा है, जिसे पर वैराग्य की संज्ञा दी जाती है। आनंद की निरंतरता ब्रह्मानुभूति का आद्यांत लक्षण है, जो अधिक न्यून व अभाव से मुक्त है। अनुभव सहज अभिव्यक्ति ही संपूर्ण भाव संपन्नता और प्रमाण है। अजागृत मानव इकाइयों के जागृति में सहायक होना भ्रम मुक्त एवं
जागृत मानव इकाइयों का स्वभाव है। मोक्ष पद ही नित्य, अन्य पद अनित्य हैं। मोक्ष पद में ही आनंद की निरंतरता है, अन्य किसी पद में नहीं। आत्मा सहज अभीष्ट ब्रह्म में अनुभव यह है, इसलिए आत्मा अपने आश्रित बुद्धि, चित्त, वृत्ति एवं मन से प्रभावित नहीं है। आत्मा मध्यस्थ क्रिया और ब्रह्म मध्यस्थ सत्ता है। सम विषमात्मक क्रिया तथा शक्ति से आत्मा प्रभावित नहीं है। आत्मा ही मैं और मैं का ईष्ट ब्रह्म है। ब्रह्मानुभूति संपन्न मानव ही जड़ प्रकृति की आसक्ति से मुक्त है, जिसका जीवन ब्रह्म मुक्त अवस्था में है। जीवन मुक्त इकाई अर्थात ब्रह्म मुक्ति में भूत भविष्य की पीड़ा एवं वर्तमान का विरोध नहीं है। यही अन्य के सुधार के लिए व जागृति के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। यह में अनुभव ही परमानंद है। यह में अनुभव की तृष्णा प्रत्येक मानव इकाई में विद्यमान है। यह में अनुभव आत्मा को और बोध बुद्धि को होता है। यह ही शून्य ज्ञान और साम्य सत्ता है, इसलिए यह समस्त क्रिया का आधार है। इसे ज्योति शब्द से भी जाना जाता है। ब्रह्मानुभूति में प्रकाश का अभाव नहीं है, बल्कि शाश्वत प्रकाश में अनुभव है। व्यापक में अनुभव ही शाश्वत प्रकाश है, क्योंकि सह अस्तित्व स्पष्ट हो जाता है। इसलिए यह अनुभूति मूलक सत्यापन केवल साम्य लक्ष्य एवं कार्यक्रम की ओर इंगित है। आप्तता ही प्रमाण सहित उपदेश अर्थात उपाय सहित आदेश का कारण है। जीवन मुक्त अर्थात ब्रह्म मुक्ति में आप्तता का अभाव नहीं है। नित्यं यातु शुभोदयम्।